दास्तान सुना जाता है कि किसी समय की बात है, गिरी शहर में सेठ ताराचंद रहा करते थे। सेठ ताराचंद के दान पुण्य की ख्याति समस्त संसार में फैली हुई थी। सब इज्जत से नाम पुकारा करते थे। उसके छोटे भाई का नाम था हरिराम। वो इस बात से बहुत ज्यादा करता था कि भाई इष्टबत्ती तेरा डेरा, इष्टबत्ती धन तू ले रहा, और फिर तुमने कोई राम राम नहीं करता। ताराचंद देख कर छोड़ना चाहे कुछ हो जाओ। एक दिन देर हो जाती है, खाट में लेटा लेटा विचार करे। सिठानी कहती है, महाराज उठो। उठने का समय हो गया और मैंने ताता पानी कर दिया, स्नान करो। स्नान करने से बुद्धि का विवेक होगा और काम काज बड़े अच्छे ढंग से चलेंगे। और स्नान कीजिए, आओ मैं कर्म सुनूंगी, स्नान करवाऊंगी। कि ना कि और कि एक और चीज समृत है, क्या की कि ताराचंद का नाश करूंगा। कि क्यों उसकी क्या चीज हुई, कि बस यही बात है कि सुबेदार हवा सिंह जी 100 रुपए देते हैं। सुबेदार साहब को बार बार धन्यवाद दिया था। जगत में सो सच्चानी उसी तारा रस्ता की कैसे रहती, कैसे था।
कमी मने से एक बात की कमी, आदमी कहे से मने और, यू हरी राम ना किसी काम का। कि महाराज ठीक कहते हुए, क्यों ठीक कहते, कि सेठ तारा चंद दान पुण्य करते हैं, समाज में बैठ के उसकी इज्जत करते हैं, तू किससे दूर बैठता ना उठता ना, तेरा नाम कितने होगा, और जो निंदा का पात्र बन जाता है वो चाहे जीवो चाहे मरो बराबर है। तो वह सेठानी उस हरी राम को समझाती है कि तने ये काम कदे करे हैं जन्मदार के कौन से वाला। न बोलियो दान पुण्य खर्चे खाए बने, तू बन के पशु कमाया। करिए ते ओ दुनिया में पुण्य छपना पाया, दान पुण्य खर्चे खाए बने, ओ बन के पशु कमाया, नाम करिए ते ओ दुनिया में पुण्य छपना पाया, दान पुण्य खर्चे खाए बने, की ना न कर संता का मेला, आए गए की टहल करी ना, ना सतगुरु का चेला, तो भैया में बैठ उठना बढ़ाई, ओ, ओ, मान बढ़ाई, काम को
चित की वृत्ति करो समाप्त अतीत यतीता करना गांव के रहने वाले सरदार पहलवान जी 100 रुपए देते हैं। पहलवान जी को बार बार धन्यवाद दिया था। बननपुर के रहने वाले बनारसी जी 21 रुपए देते हैं। धन्यवाद दिया था। लक्ष्मी चंद के धर्म करे बिन धन गारत चाहिए, ये कहते हैं जिसके पास धन हो और वो धर्म नहीं करता तो उसका धन का नाश हो जाता। बढ़िया इज्जत बंद बनन की खातिर पुरुषार्थ चाहिए से भाई इज्जतमंद तब बना देगा जब दूसरे की भलाई करेगा, दूसरे का काम आऊगा जब ये इज्जत करेंगे। चोर जा ठग बदमाशन महाभारत चाहिए से उन लड़ाई चाहिए उसका नाश हो जाओ, उसका नाश हो जाओ तुम बचाने के लिए खड़ जाओ। श्री कृष्ण की दया मारिया ते खुद भारत चाहिए से जैसे श्री अर्जुन ने कृष्ण की सेवा करके और सारा सब कुछ ले लिया, सेवा करने से मिलता है। चार वेद भगवान स्वरूप ना गुण गीता का गाया तेरा नाम करे तो हो दुनिया में तू निंदक बड़ा पड़ा। तेरा कौन नाम ले था, तने कुछ किया तो हाथ नहीं समाज के लिए, फिर कौन नाम ले तेरा। नुबला के ज्ञान की जरूरत ना रह रही, ज्ञान ते भीतर में टूटा खड़ा है। नाश करूंगा तारा चंद का चाहे चुकर हो जाओ, या कति मत रखी कैसे करेगा के विधि सोचने लग रहा हूं कैसे करूंगा। तब शेठ हरिराम न्यू कहता के ज्ञान देने की जरूरत नहीं, न्यू सोचू हूं के तारा चंद न्यू हो जा। झूठ कपट छल तका गई मनी मैं खास करा जाऊं सू
चक्कर में वो तड़े गिर गया से अपने नाली की गली में अपने नाली की गली में शाबाश गया दिल्ली में रह लिया सब तन्यारा बनके सारे मिलके करें थे इज्जत बारी भाईचारा बनके उस पाजी का खोज मिटा दू मित्र प्यारा बनके और लक्ष्मी चंद सतगुरु की आज्ञा ने पास करा चाहूं के यू काम तो मैंने करना है चाहे कुछ हो जाए। गामड़े के चोरी रघुवीर सिंह जी 100 रुपए देते हैं तो साहब को बार बार धन्यवाद दिया जाता है। नहा धोके और हरिराम ने सोची कि तारातंत्र के पास तक जब तेरी कुछ बात मान गया उड़े तो नाश होने लग जाएगा। तो हरिराम
सेठों की पोशाक पहन के और तारातन के पास चलता है। कैसे तेरे पैल में दिल्ली धोती कर ली, पैर अंगर खा चलन की जरली, ईश्वर सिंह जी 100 रुपए देते हैं तो साहब को बार बार धन्यवाद दिया जाता है। कैसे आया कि भाई आया सुन जाए बात मान लेते के क्यों करता खर्च फजूल शायद तेरा भूल ये पीसा मूल जगत में प्यारा से के बात क्यों जितना तू दान पुण्य करे अरे उड़ान लाग रहा के मिल्या तने कि भाई मिल्या कुछ नहीं ध्यान नहीं रहा के फिर क्यों उड़ाव है जब तने मिल जाए कुछ नहीं व्यापार में ला के करेगा दान पुण्य करके गौशाला खलवा दी
पाठशाला खलवा दी, क्या मिला है तुझे? जब बात तो ठीक कह रही राम, तू मत करे दान पुन, क्या मिलेगा इससे? तारा चंद के दिमाग में जमगी के बात तो ठीक है, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। शेठ तारा चंद ने दान पुन छोड़ दिया और फर्क पड़ गया दिमाग में कि भाई हरिराम ठीक है। जिस दिन तक दान पुन बंद किया उस दिन टटो टाना शुरू हो गया। चुप कर, फर्क हुआ जी के जल में। अरे शेठ जी के जल में सब धरे में छोड़ दिए धर्म कर्म के काम उस तारा चंद का बदमाशा में तरे की के पास दूर दूर से चट्टी आते हैं बनंत की। बटगांव के रहने वाले पंडित राम फल जी
100 रुपए देते हैं भाई साहब को बार बार धन्यवाद दिया। तो सेठ तारातन के पास दूर दूर से चिट्ठी आते हैं कि भाई सेठ जी चोटा तक सूत्री ढाल आ गया। क्या परदेसाते चिट्ठी आई के जो जब कर दिया तेरा और किसी का तो सही कर लाई का और किसे आ दोष नहीं।
चारों तरफ से टूट आ जाता है, सेठ बहुत ज्यादा तंग हो जाता है। पुरखास के रहने वाले पंडित जगदीश 100 रुपए देते हैं, पंडित को बार बार धन्यवाद दिया जाता है। काफी तंग हो जाता है, शेष सिठानी टोटी को महसूस करते हैं। शाम की रोटी यदि मिलगी तो सुबह की कोई आस नहीं, सुबह की मिलगी तो शाम की कोई आस नहीं, ऐसी तंगी हो जाती है। दयावती कहने लगी, हे महाराज, टोटे न ते घनी धूम मचा दी कि हाँ चलो, हमने अशुभ कर्म किए हैं जिसकी वजह से हम तंग हुए। कोई भी इंसान अपने कर्म के अनुसार फल मिल लेता है। हमने बुरा कर्म किया तो ये जो टोटा है ये हमारा फल मिला है, पर इस छोरे ने भी क्या करा है जिसकी 6 साल की उम्र है, फिर क्या करें। देख वो गंगा जी पगड़ी बदली यार बना था मनसा सेठ ठाकुर वाला कि हाँ उसके पास ले जाओ और 1000 रुपये में गहने दरियाओ। वह दयावती सेठ ताराचंद को समझाती है कि न्यू करिए जाके, अरे गहने बढ़िया सेठ सठानी है ना, तेरी बात में जनते मानेंगे। तो वह दयावती सेठ ताराचंद को समझाती है और क्या कहती है, ओए चंद्रगुप्त एकलौता बेटा, इसने गिरवी धरे आओ, ओए मनसा से जाके झट पल्ले में डालेंगे।
पुरुष आदमी ना वचना शेठ सठानी तेरे पूतले अपना करके पालेंगे शाम सवेरी दोपहरी में तीनों टेम चलेंगे शाम सवेरी दोपहरी में Bye.
सन ले जाओ और इसने आपूर्ण मजाक का मनसा सेठ के यहां 200 रुपए में गर्वी रखाओ और 200 रुपए लेकर आ जाओ। सेठ ने सोची भी के चाला कि एक मां अपने पुत्र को अपने छाती के नीचे से निकाल के दे है भाई गणी शानी लोग आई, पर जब लड़के ने लेकर जागा घर चेहरा जागा भाई कुछ भी ना मन में विचार करता है और कैसे दूरी चक्कर धड़के में एक बढ़िया लड़के सुना घर Oh,
दुहा दुहा के और खाना खिला के श्री तारारत्न ने भी खुद खाया और लड़के चंद्रगुप्त को दिल्ली से लेकर हापुड़ की तरफ रवाना हो जाता है। दो तीन दिन में पैदल चल के हापुड़ में पहुंचे, सेठ मनसाराम के यहां आए। कामड़े के रहने वाले चौधरी रविंद्र सिंह जी 100 रुपए देते हैं बार बार, धन्यवाद दिया जाता है। सेठ आवता नजर पड़ा रहे, मनसानंदिया छोड़ खड़ा रहे, हाथ जोड़ के होया खड़ा आदर मान कर। शेठ ताराचंद जब पहुंचा वही मारा फैला गया लखन, और उसने की भाई राम राम बनार उठाई। जरूरी काम आया बता नो नहीं भाई, क्योंकि और सेठ भी बैठे हुए थे पूरे ना, एक और ना के सुन मेरी बात, मैं के काम आ रहा मेरी तूरे के बात ने चुले अरे उठ कने सुन ले से उठ कने सुन ले से चंद यार अकेला आ जाता छोरे ने भी क्यों तो ठीक करा था, जे गोदी लाया होगा तो तू टूट लिया और जे इसने पा लिया होगा तो छोरा मर लिया, अकेला आ जाता के बात थी निवलारा, इससे का काम आ रहा हूं के इसका के काम है भाई, के इससे खतरा आ रहा हूं के
बात समझ में आई नहीं, के कहता तू के भाई टोटा आ गया कसुत्ता, फिर के छोरे ने पाल दे और मन तो सिर पिए दे दे, के यार छोरे पालने की बात तू तो सिर पियो ही दे जा। एक चीज से
के भाई इस चंद्रगुप्त ने राख ले और 200 रुपए दे दे भाई गहना हो जाएगा। अरे छोरे न भी ले जा और 200 रुपए भी ले जा के ना भाई बिल्कुल नहीं कुछ कर्जा और कुछ टोटा भाई मर जाएंगे खत्म। कि भाई फिर तो सेठानी तो पूछनी पड़ेगी यह बात या तो सेठानी की गोचरी बात रहेगी कि हाँ पूछा तेरे मुर्शा ती राजी हो जब करिए यू काम। सेठ मनसाराम सेठानी के पास आया कहा कि शेठी आज तो वक्त ना आएगी के बात कि देवो दिल्ली आया तारा चंदा रहे कि ओ हो बहुत उत्तम भाग मारा चक्कर आया इतना बड़ा सेठ मारे कि वो बड़ा कोई ना रह रहा कि और कति मरिया पड़ा है के बात हुई के न्यू हुई ए रे सोने ता सुनाऊ तने उसके परम का पासत पलट से उसके परम का अरे तर मुई ये तर मुई तजेते हो तर मुई तजेते होगी कर्म की आई जी चले था धन बालक सन ले उसन कहने
ਸੇਠਾ ਤਖਤੀ ਧਰਤੀ ਮਨਾ ਗਿਆ ਪੜਿਆ ਔਰ ਨੁਕੈਦ ਛੋਰੇ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਗਾਮੜੇ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੂੰ। ਬੋਲ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਲੜਕਾ ਤਾਂ ਨਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਬੁੱਧਲੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਖੇਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਮਹਿੰਗਾ ਸੋ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਨਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਲੜਕੇ ਕਾ ਦੇਖੇ ਵਾ ਮੇਰੀ ਦਯਾਵਤੀ ਬਹਿਨਾ ਮੁਝੇ ਕਿਆ ਕਹੇਗੀ ਕਿ 200 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਛੋਰਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਨਾ ਯੂ ਕੰਮ ਮਤ ਕਰੇ 200 ਰੁਪਏ ਓਏ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਕਹਿ ਲਈ ਮਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਤਾ ਨੂੰ ਕਹੇ ਅਰੇ ਥਾਰੇ ਬਾਗ ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਰਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਨੇ ਰੱਖ ਲਏ ਕਿ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਰ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇ। ਸ਼ੇਰ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਕੋ ਨੁਹਾਇਆ ਧੁਆਇਆ ਭੋਜਨ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਆਗੇ ਕੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਵੀ ਬਾਂਧ ਦਿਆ ਔਰ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਕੋ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਚਲਨੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਿਬਲਾ ਬੰਨੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਣਬਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ। ਸ਼ੇਰ ਸੇਠਾਣੀ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਤਰ ਉਨਕੀ ਔਰਤਾਂ ਔਰ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਕੋ ਪਾਸ ਮੇਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਔਰ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਸਭ ਕੋ ਨੰਬਰ ਵਾਜ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਟੁੱਟਾ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਨੂੰ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਆ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਮੈਂ ਸੌਂਪਦਿਆ ਸੁੱਤ ਮਨ ਸਾਕੀ ਮਾਤਾ ਸੇਠ ਕੀ ਸੇਠਾਣੀ ਕੋ ਆਗੇ ਕਰਕੇ ਕਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬਹਿਨਾ ਦਯਾਵਤੀ ਨੇ ਜੋ ਕਹੀ ਥੀ ਮੇਰੇ ਤਜ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਾਣ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਬੇਬੇ ਮਨ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਖੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਕਰੀਓ ਤੂੰ ਤੋੜ ਨੀਰ ਪਾਏ ਤੇ ਤੂੰ ਤੋੜ ਨੀਰ
नौली में बांध के और भोजन साथ में और हापुड़ से दिल्ली की तरफ कूच कर देता है। रास्ते में वही हरनंदी नदी फिर आई, स्नान किया और सोचा भी रोटी राटी खाकर फिर चलिए। जब बाहर निकला न वे 200 रुपये मिले, न वो भोजन मिला, न वो वस्त्र मिले। कंठार बैठ के जोर जोर से विलाप करता है, ओ मेरे दम्मा का चोर कड़ेता आ गया, धन ठामनी तेरी ढेठ में। जोर जोर से विलाप करता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, पर कहां था। कंठारे खड़ा होकर उस हरनंदी नदी को अच्छी बुरी कहता है कि मेरा कहां गए वे पैसे और भोजन, तू देगी कि तन्ने खा लिया। क्या कहता आन का भोजन चरा घाट पे आके हर नंदी लूट लिया।
जब घर पहुंचा नतन पर वस्त्र थे और बड़ा माउस उतरा हुआ चेहरा, दयावती के पास गया, जनते रोन लग गए। क्यों रोया के बात तो से रुपये तो मिल गए होंगे, बोला रन हुए तो रो के क्यों रोया। अरे कल मैं गला दुख बेपता का फंदा, कल घुट भी गया तो गजब है गजब। पुत्र भी गया, हुरमत भी गई, घर लुट भी गया तो गजब है। कल मैं गला दुख बेपता का फंदा, घर लुट भी गया तो गजब है। अरे छोटा धर्म पेमाना रहना थोड़ी ठिकाना, तुझे चोरों ने लुटा माल खजाना। हर दे में सुत का निशाना, अगर उठ भी गया तो गजब है। उठ भी गया हुरमत भी गई, घर उठ भी गया तो गजब है। अरे हुआ अधर्म से गंदा, ओए सत्संग से मंदा, इब कंगला बना कद्य तारा था। आज कंगला बना कद्य तारा था, और बन समझे पूरे कर्मों पे बंदा, ओए जुट भी गया तो गजब है। गल में भला तो खबर पता का फंदा, गल जुट भी गया तो गजब है। अरे किसी का करते गुजारा किसी का, उलटा दे दे लेके उधारा किसी का। उलटा दे दे किसी का लेके उधारा, एक मुट्ठी के बदले मांग सतारा किसी का, अगर लुट भी गया तो गजब है। गजब है। गया
तेरी जान ये रहने कोई तूफान दुख बिपता दृष्टि को न समझे दुख बिपता दृष्टि को न समझे किसी का दिल हो गुलदस्ते के समान अगर कुछ भी के छोरा भी गया इज्जत भी गई पैसे भी गए और थाड़ू थाड़ू रोए के रोवे भी क्यों है आखिर न मर्द है तू मर्दपना देखा निमला मर्दपना भी की तरह गया तो कुछ भी कोई ना के नौकरी करेंगे कहीं पेट गुजारा चलाऊंगे तो बस सेठानी क्या कहती है और सेठ क्या बोली के सैपनिए की चाट पिया कुछ घूंट सफर की बारी दे आखिर में Yeah.
आत्महत्या करेंगे इब जीना पसंद नहीं। जो नौकरी करा करते मेरे पास वे सेठ बने बैठे और मैं उनका नौकर रखूंगा। बिल्कुल मर पना तो सही कि फिर मैं तो तेरी गेल हूं, चाहे जो कुछ करता हो वो साथ के चल। आत्महत्या करेंगे कितने आगा के सेठ ताराचंद, पीछे पीछे दयावती, दूर जंगल में निकल जाते हैं, हाथ में डोरी ले रहे कि भाई फांसी खाएंगे। एक साधु फिर जाता है कि भाई इतने गहरे बन में और सेठा जैसी पोशाक तेरी और बीरबानी ने रखी जाओ के वे साधु तेरे आगे के झूठ बोलेंगे के बोल के वे मरेंगे। क्यों भाई के इतना जबरदस्त टूटा आ गया कि उठ नहीं रहा। छोरा गहन है मारा रोटी नहीं, क्या करेंगे जी के ऐसा जीवन, क्या जीवन है, मरना भला है कि वे नहीं। आत्महत्या करने से अपने ऊपर पाप चढ़ता है और कई पुस्तक पाप नहीं उतरता, नहीं कभी आत्मा को शांति मिलती और जो आत्महत्या करते हैं उनको मनुष्य का चोला फिर नहीं मिलता। ऐसा हमारा वेद साक्षी है कि फिर क्या करें कि काम करो, कित करें काम कि मैं बताऊंगा काम बताओ। तो साधु शेर सिखानी को काम बता दे कि न्यू कर लो, न्यू थारा बेड़ा पार हो जाएगा। ब्राह्मण साधु की
सेवा अतिथि तेल बजाने से मेरे तीन जन्म के समझ के अमृत पिया वो चरणावती
पराए अति लोका त्याग करो दबा लिए अधर्म न ज्यादा हरि भजन की लाग करो छोड़ पराई ई आशा तृष्णा अधर्म कर्म की लाग करो ओ छोड़ पराई ई आशा तृष्णा गामड़े के अजीत सिंह जी 50 रुपए देते हैं बार बार धन्यवाद केवन यूं करो दोनों वीर मर्द हो हट्टे कट्टे हो दो डोरी लो और एक कुहरा देख कितना बन खड़ा कौन बर जगह काट काट लकड़ी और ठोक दो दिल्ली ने नफा है नफा दिमाग में बात आ गई सेठ तारासन और दयावती वापिस घर आ जाते हैं दो डोरी ली एक कुल्हारा सुबह उठ कर सेठ सेठानी जंगल में घुस जाते हैं और दिमाग में वाह बात कि बेचारे कर दिए परमात्मा का भी निबेरा यु के करवा दी तो वो मन मन में विचार करता है काफी दिन होगी गिरते गिरते कदी एक रुपये की व्यक्तियां कदी 12 आने की व्यक्तियां जितने भी तीन आने का भोजन मिला है, जो बाकी दाम बचते उन्होंने गौ ब्राह्मण में बांट दी पिछला वक्त बेचारा कोई सेठ अपने पिछला वक्त
चन लकड़े पहना दोनू बाहर गोरे गात उनकी शोभा सुख सुख के एक दो दिन से रहायार कसी फिर पारसी पड़ी गे दुष्कर्मा नारा करते हुए 12 साल हो जाते हैं। बहुत लड़का चंद्रगुप्त 18 वर्ष का हो जाता है। शेठ मनसाराम कई व्यापार किया करता था। एक बार रुई खरीद ली और दो जहाज भर देता है और बड़े लड़के क्रोड़ीमल को बुलाया कि बेटा ये रुई के जहाज भरे हुए और संगलद्वीप में पहुंचाने हैं। कितने ने मेरा पिताजी के अकमर रुई का काम कदी कर रहा, मारा काम नहीं है यू दूड़म दूड़ा होना। करोड़ी मल को बुलाया
मरोड़ी मल को बुलाया कि भाई तू ले जाए जहाज कि ना मारा तो दूसरा ही धंधा है हमने बढ़ाते रू राई में फिर जान करा कि भाई चंद्रगुप्त भी छाना हो रहा है और काम सिखाना है इसको। चंद्रगुप्त को बुलाया हलकारा भेजा कि जाओ घर से चंद्रगुप्त को जाओ मेरे पास बुला के गया भाई चंद्रगुप्त कि हाँ बस सेठ मनसाराम ने तेरे को याद किया है भाजा गया भाजा जाके और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए कि पिताजी मैं किस लिए बुलाया के काम है मेरे प्रति तो मनसा सेठ को वो चंद्रगुप्त क्या कहता है चंद्रगुप्त अपनी माँ और भाभियों से कहता है कि मैं प्रदेश में जाऊंगा और कि मैं मंगवाना हो और तो ये बताओ खाली नहीं आऊंगा थोड़ा काम करके जाऊंगा क्या कहा एरी थारा चंद्रगुप्त सयाना चंद्रगुप्त सयाना
पूजूंगा थारे चरने, मने अपना पर चंद्रगुप्त रूप के जहाज लेकर और संगलदीप में पहुंच जाता है। भगवान के ऐसे करने हुए कि चौगुने दाम के नफे से वह रूई बिक जाती है। पैसे लेकर और बाजार में घूमता है, कहीं लाल मिले, सच्चे मोतियों का जूड़ा मिले, लेकिन ये आम बाजार में नहीं बिका करते थे। इतने सेठ लोगों के पास हुआ करते थे और जो ब्याह शादी में खर्च करा करते। सारे के घूम लिया, चीज नहीं मिली। मन में विचारा है, भाई तेरी भावस्त ने के कहेंगी, तेरी माँ के कहेगी, तू अपनी माँ का अपनी भाभियाँ की हाँ भरकारिया, इसना अच्छा तू कमर ज्यादा बढ़िया बा, पूत पराया ओछा दर्जा, सारी उम्र रहेगा हर्जा, न्यो सोची कि तर डूब कमर जा कुएं में पड़ के। जब कुएं में पड़ने की साली तो एक बाबा जी उन्हें ढूंढने ला रहा था। जब उसकी जड़ के लेकर ना गया, कौड़ी भर ली, अरे तू नहीं डाल रहे कुएं में पड़ेगा कि हाँ क्यों कि महाराज जी मेरी बहुजन ने कुछ चीज मंगाई थी और वो मिली नहीं, के शान दिखाऊंगा मुंडा के करूंगा। अरे बाउली पूछ जब डूब गए मैं क्या करें, शहर में चला जा, धर्मपाल सेठ के बरात आई हुई है और उनका बन रहा है कुरूप और वे देखते अंडे भाई कोई उजला हथौड़ा मिल जा, तूड़े का चक्कर काट लाई जा, उसके त्रिपादर बैठ जा। भाई ये हुक्म पाते ही ओ सेठ चंद्रगुप्त चुकरात में जहां डटी हुई थी सेठों की बरात, उसके आगे कांड है। एक बोला भाई की तरह है, बोला मन में ना बेरा की तरह हूं की बात के बेरा है ना बात के, अरे मारे एक दो काम साथ दे के बोल के बार और ठीर फेरी करवा दे के करवा दूंगा, पर जो छन्ना मत चीज में लगी हुआ मेरी के हाँ वाह भी तेरी और के मैं मांगा तो वाह के ठीक है करवा दूंगा। वे सेठ उस लड़के चंद्रगुप्त को चुकरात में ले आए जहां बरात डटी जाती थी, उसको चुकरात बोलते थे, उससे आज चौपा रहे और जाकर और चंद्रगुप्त को बंदड़े का रूप देते हैं। कैसे बना के का देश बदल जो कपड़े नए पहराके बनड़ा आ
करम नाला खस बोई का तेल छड़क दो हो जब हो नारा ठीक बदन में आता हो इसा कोट पर आदो काला गरम में हो सोने का दोरा जो कटे रूप पाचारा आख्या में शाही का दोरा दे दिया और वे सेठ आ जाते हैं। बलजीत सिंह जो थानेदार भी हैं। जवानी से बलजीत सिंह दरोगा जी 100 रुपए इतने ही बार बार धन्यवाद दिया था। तो
तो लड़के चंद्रगुप्त को बाहरोटी के लिए ले जाते हैं। सब नगरवासी उमड़ पड़ते हैं बनरे की शान देखने के लिए। तो कैसा ढंग था वह ब्याह का? पाटड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और उधर से उस लड़की की सहेलियां रिश्ते नाती वाली और अगर पड़ोसन इकट्ठी हो जाते हैं और वहां मजाक करते हैं और जनेती पाचे खड़े हो गए देखे द्वारा सीधा कूड़े का दृश्य देखा। Oh!
चंद बनरी की चोरी। पहले भी माला सिस्टम था, बीच में जब और किस्म का राज हुआ तो अपनी इज्जत को बचाने के लिए हमारे विद्वानों ने, समझदार लोगों ने ये कहा कि भी आरती को पूजा जा दूर से, तो सबसे हमारा पवित्र अनाज है चावल, चावल से लड़की अपने पति के चेहरे को पूज के और एक ओर उठ जाती, और जो पछे जा करते बराती वे तो आंडे जानते फिर झांकियां पाड़ते क्या आ गई। लक्ष्मी चंद बनरी की चोरी, आरती पे औरत कट्ठी हो रही, गोरी देखे थी घूंघट तान, रूप का ऐसा जंग हो गया देखे जब पिया। गामड़े के रहने वाले चौधरी अनूप सिंह जी 500 रुपए देते हैं, चौ साहब को बार बार धन्यवाद दिया। और जब वो रस्म पूरी हुई, जिसने वो मोड़ को झाड़ते हैं वह रस्म पूरी हुई, उधर से वे औरत फिर शेरे की बड़ाई करती है, शेरा गाती है कैसे वाला, ऐरे किसी छारी अजब बारी चढ़े हीरे लाल सवाया जानू सूरज कैसी हल्दी जोड़ी
हीरे लाल कई मरिया पे खूब रम 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 होली हीरे लाल कई मरिया पे खूब रम 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 होली रे अंग्रेजी तबाता बजा है ढोल पर डंका लगा रे जितने थे बराती छोरा समय चला पंखा लगा उठरा धरा चंद्रगुप्त और लड़की धर्मार के आपस में फेरे होते हैं।
ब्यात हो से बनाऊ बनी का ये लोग मजे लुटे से Yes.
ਸੁਨੇ ਜਮਾਈ ਸੁਸਰਾ ਚਾਵੇ ਦਾਨ ਮਾਨ ਉਹ ਚਾਦਾ ਬੋਲ ਵਜਾਈ ਨੁਗਰੇ ਚਾਵੇ ਆਪ ਕਾਟਣੀ ਇਹ ਕਵੀਆ ਨੇ ਛਨੋ ਪਰ ਚਲੇ ਜਾਤੇ ਹੈ ਵੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ ਛਨੋ ਪਰਤ ਮਿਲੀ ਉਹ ਸੇਠੋ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿਆ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਔਰ ਉੜੇ ਦੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰ ਕੀਆ ਕਿ ਵੀ ਤੈਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਏ ਪਾਛੇ ਇੱਕ ਵਾਣਾ ਔਰ ਹੋਇਆ ਕਰਤਾ ਪਹਿਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਣੀਆ ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੋ ਮੇਂ ਜਿਸਕੋ ਚਤਰ ਸਾਰੀ ਕਾ ਵਾਣਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦੇ ਥੇ ਸਭ ਕੋ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਤਾ ਫਿਰ ਅਕੇਲਾ ਲੜਕਾ ਔਰ ਵਾ ਲੜਕੀ ਔਰ ਲੜਕੀ ਕੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਇੱਕ ਪਰਾਤ ਮੈਂ ਸੀਖ ਸਾਖ ਤੋੜ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੇ ਖਾ ਕਰਦੇ ਉਸਕੋ ਚਿੱਤਰ ਸਾਰੀ ਕਮਾਣਾ ਕਹਾ ਕਰਦੇ ਔਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਔਰ ਉਹ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਡੇਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਥੇ ਉਸਕਾ ਲਾਈ ਝਾਲਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਗਏ ਕਿ ਇਸਕਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਦਿਖੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਲੈ ਗਏ ਚਿੱਤਰ ਸਾਲੀ ਮੈਂ ਔਰ ਉਹ ਝਾਲਰ ਝੁਲਰ ਤਾਂ ਸਭ ਉੜਾ ਖੁੱਲ ਜਾਇਆ ਕਰਤੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਡਾਲਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜੂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾ ਬਾਟਾ ਮੂੰਹ ਪਰਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹ ਡਾਲ ਕਾ ਪਾਇਆ ਵਾ ਧਰਮਾਲ ਕੀ ਰੁਕੇ ਮਾਰਤੀ ਰੇ ਲੂਟ ਲੀ ਕੇ ਬਾਤ ਕਿ ਦੇਖਿਓ ਯੂ ਬਣ ਰਹਾ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੇਠੋਂ ਕਾ ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਰੂਪ ਸੇ ਉਨ ਸੇਠੋਂ ਕੋ ਵਹਾਂ ਸੇ ਤਾੜਤੇ ਕਿਆ ਜੋ ਬੰਦਾ ਥਰੇ ਪਰਮ ਕਾ ਤੱਕੇ ਦੇਖ
करते उधार लड़का चंद्रगुप्त विचार करता है कि वे तने बहुत गलत काम किया, लोग तो अपनी मांग को नहीं छोड़ते और तू ब्याह कर चुका है, बे गलत है, चल उस साधु के पास चल, ओ के मैं तने राह ला दे तो ला दे। और दूसरी बात नहीं के करेगा भाई के जाकर अल्लाह बता दे उसने। तो लड़का चंद्रगुप्त उस साधु की तरफ चलता है और मन में विचार करता है, कर कह दूर का धड़का सारा भेद बता दू जड़का, अरे आखिर में संग
ਕੀ ਸਾਜੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਵਾਲਾ ਜੇ ਅੰਗੀ ਸਾਜੀ ਜੇ ਪਾਜੀ ਕੇ ਦਰਮੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਰ ਜੇ ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਜੱਤ ਫਲ ਪਾਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਜਾ ਫਲ ਪਾਤੇ ਔਰ ਤਾਰੀ ਤੇਰੇ ਗਾਰੀ ਸਾਰਾ ਸਫਰ ਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ ਜੇ ਆਜੀ ਉਹ ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਲਦੀ ਸਤੀਵੀਰ ਨੇ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਤਾਗੇਗਾ ਲਖਮੀ ਚੰਕਰ ਖਬਰ ਸੇਟ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤ ਰਹਿ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਪੜੀ ਮਜ਼ਦਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਧੂਏ ਪਾਰ ਲਗਾਵੇ ਜੱਤੀ ਮਰਦ ਉਹ ਸਤੀਵੀਰ ਨਾ ਗੈਰ ਤੇ ਅੱਜ ਮਿਲਾਵਾਂ ਉਹ ਸਾਧੂ ਕੇ ਪਾਸ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਬਤਾਈ ਤੋ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਪੜਿਆ ਉਲਟਾ ਚਲਿਆ ਜਾ ਉਹ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਸਾਧੂ ਕੇ ਕਹਿਣੇ ਸੇ ਜਬ ਵਾਪਿਸ ਆਇਆ ਤੋ ਧਰਮ ਮਾਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜਿਆ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਯੂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਭਾਜ ਕੇ ਗਈ ਕਿ ਹਾਂ ਬਿੱਟੀ ਉਹ ਹੈ ਘਰਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਕੇ ਸਾਥ ਵਾ ਲੜਕੀ ਧਰਮ ਮਾਰ ਕੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋ ਨੂੰ ਕਹਤੀ ਕਿ ਇਸਕੀ ਗੇਲਿਆਂ ਭੇਜ ਔਰ ਮੁਝੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕਿਆ ਕਹਿਤੀ ਹੇ
करती है हर एक लिहाज से, कहती है कि बेटी जो तेरे भाग में था वो हमने धन दिया, आगे तेरा कर्म काम करेगा। लड़के चंद्रगुप्त को बुला लिया और कहा कि बेटा मैंने अपनी बेटी तेरी शरण में इसलिए घेरी कि मैंने तू राम के तुल लगता है, और उसको हिदायत देती है कि मेरी बेटी इसी है और तू इसने नुनू राखी है। क्या सासू का ख्याल राखिए रे इसमें, तू मत ना कर